करनी है और बोलते कोई ऐड नहीं करनी है। दोस्तों बोलती ऐसी फिश है कि वो तेल में बहुत स्लो रहती है और उसके साथ गलत फिश डालती है तो परिणाम ये हो जाता है कि साथ वाली फिश को जब भूख लगती है तो खाना टाइम पे नहीं मिला और खाना उसको ठीक से नहीं मिला तो फिर वो गोल्डफिश की जूस या बर्ड को टारगेट करती है और उसे थोड़ा थोड़ा करके खा जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि गोल्डफिश के साथ कौन सी फिश ऐड करनी है और गोल्डफिश से बचा खाना डालना है, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। दोस्तों गोल्डफिश के साथ हम लोग एंजल फिश, टाइगर शार्क, अल्बिनो शार्क, सिल्वर बार, एंजल और मॉली भी रख सकते हैं। मॉली कैसे रख सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे हम। तो दोस्तों गोल्डफिश के साथ रैंचो और गोल्डफिश की जितनी भी वैरायटी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो छोटे मुंह वाले रहते हैं, मॉली भी छोटे मुंह वाले, एंजल भी छोटे मुंह वाले, उनका क्या होता है कि हम लोग दाना डालते हैं वो बड़ा रहता है, गोल्डफिश क्या करती है मुँह बड़ा होने के कारण खाना फट से खा जाती है और एंजल और जो मॉली रहती है उनका मुँह छोटा होने की वजह से वो स्लो खाना खाती है और गोल्डफिश जो रहती है बड़ा मुँह होने के कारण सब खाना खा जाती है और उनको खाने को कुछ मिलता नहीं मॉली और एंजल लोगों को। जैसे और भी वैरायटी रहेंगी तो हो जाता है क्या कि उनको खाना न मिलने की वजह से और रहते फूके और भूखा रहने की वजह से गोल्डफिश की दुमची या फर या बोलता और भी कुछ रहने दो स्लो वाला तो उसे टारगेट करने लगती है और उसकी दुमची या फर खाने लगती है। तो हमें एंजल और डॉलर और मॉली ऐड करनी है गोल्डफिश में तो खाना हमें थोड़ा पीस कर डालना है, यानी थोड़ा बारीक करके डालना है। नैनो माइक्रो ना नैनो डालते हैं तो खाना खाती है कि नहीं खाती है ये भी फिर से देखना है कि वो निकल पा रही है कि नहीं पा रही है। अगर नहीं निकल पा रही है तो हमें खाना पीस के डालना है, नहीं तो क्या होता है वो भूखा रहने के कारण फिर पर या गुमची खाने लगती है तो गोल्डफिश की गुमची और पर खाने की वजह से यानी गोल्डफिश मर जाती है। तो क्या होता है हम लोग जब भी फिश की दुकान में जाते हैं तो हमें बहुत सारी मछलियाँ पसंद आ जाती है पर होता क्या है कि सब मछलियाँ गोल्डफिश या नॉर्मल फिश के साथ रहने वाली नहीं रहती है, वो भूखे रहती है, फ्लोरान रहने दो, आरवाना रहने दो या और फिश रहने दो, वो एग्रेसिव रहती है, चिकलेट वैरायटी रहती है वो भी एग्रेसिव रहती है, गुस्से रहती है, चिकलेट वैरायटी भी गुस्से रहती है, फ्लोरान गुस्से रहता है, आरवाना गुस्से रहता है, ऑस्कर गुस्से रहता है और बहुत ऐसी वैरायटी है फिश में जो गोल्डफिश के साथ नहीं रह पाती है और गोल्डफिश को मारने लगती है। तो दुकान में जब भी जाएंगे तो थोड़ा दुकान में तो यूट्यूब पर सर्च मारिए और सर्च करके देखिए कि कौन सी फिश नॉर्मल है कौन सी गुस्सेल है, ये देखने के बाद ही मछली लानी जाए मार्केट में। कौन सा भी दुकान वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि ये मछली रहेंगी ये नहीं रहेंगी, वो सीधा बोल देगा कि आपको लेना है तो लो रहने दो, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। दोस्तों एंजल फिश भी खाना खाने में बहुत लो रहती है और उनका मुँह बहुत छोटा रहता है तो हम लोग जो दाना डालते हैं वो खा पाती है कि नहीं खा पाती वो भी चेक करना है जब आप गोल्डफिश के साथ ऐड करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम खाना डाल रहे हैं वो खाना खा पा रहे कि निकल रही है, खाना खा पा रही है कि नहीं खाना खा पा रही है तो आपको ठीक से देखना है। और खाना डालने के टाइम पे हमें फिल्टर ऑक्सीजन बंद करना है आधा एक घंटे के लिए और खाना खाने के बाद चालू करना है। और गोल्डफिश के साथ रेड क्या है उनका ही गोल्डफिश वैरायटी रेड क्या है बुलडॉग और रैंचो जितनी भी वैरायटी है वो आप ऐड कर सकते हैं। और मॉली एंजल जो गुस्से मछलियाँ रहती है छोटी वाली जो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डफिश के पर खाने और जूसे खाने में माहिर रहती है तो छोटी मछली ऐड करने से पहले फुल इंफॉर्मेशन ले कि कौन सी मछली रखनी है कौन सी मछली नहीं रखनी है, यूट्यूब पर सर्च करके फुल इंफॉर्मेशन लीजिए नहीं तो या गूगल पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि हमें कौन सी गोल्डफिश के साथ मछली रखनी है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और कमेंट में आपको कौन सा वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए चाहे कौन से फिश के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट में ज़रूर लिख देना है। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना है। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।